हेलो गाइस, मैं हूँ स्मिता। आप देख रहे हैं टेक्नो स्मिता। गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कोई भी इमेजेस है उसको कोई भी इमेजेस इमेज है उसको हम कोई भी शेप कैसे दे सकते हैं। आज ये फोटोशॉप का ट्यूटोरियल है गाइस। आप बहुत ही इजी वे से बताया हुआ है, आपको जरूर पसंद आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने तीन शेप आपको एग्जाम्पल करके बताया हुआ है। आप कोई PNG इमेज को भी लेके कर सकते हैं और कोई कोई शेप बना के भी उतर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। गाइस, मैंने फोटोशॉप ओपन कर लिया है। फाइल में जाएंगे, वहां पे एक न्यू फाइल करेंगे, उसका शॉर्टकट है Ctrl+L। यहाँ से हम एक पेज सिलेक्ट कर पेज ओपन कर लेते हैं। ये है हमारा, ये सिंबल न्यू लेयर का है। मैंने यहाँ पे न्यू लेयर लिया गाइस। हम और इसके बाद हम जाएंगे इस आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कस्टम शेप। कस्टम शेप में मैं यहाँ पे हम देखेंगे, सपोज मैं एक ये वाला वो शेप उठाती हूँ, शेप को रेड ट्रायंगल मैंने ये लिया। फिर इसको एक सेकेंड लेयर मिलेंगे, सॉरी यदि एक ही लेयर में होता, लेयर को मैंने ध्यान नहीं दिया था। अभी आप दूसरे लेयर में दूसरा शेप ओपन करेंगे। सपोज मैंने ये वाला किया, इसका कलर चेंज कर देंगे, देन एक और सेट देंगे। ये वाला लेते हैं, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। ये हमारा मूव टूल है, मूव टूल से हम इसको जहां पे चाहिए वहां पे रिप्लेस कर सकते हैं, सप्लेस चेंज कर सकते। ठीक है, मैंने तीन शेप लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक इमेज लेना है। मैं यहाँ से ये इमेज लेती हूँ, तो ये इमेज लिया मैंने, डायरेक्ट यहाँ पे ड्रैग करके ओपन ओपन किया। यार अभी हमें क्या करना है, इसको मूव करना है। ये मूव टूल है, ये वाला मूव टूल है, यहाँ से मूव करना है। फिर यहाँ पे जहाँ पे सेफ है वहां पे लेके जाना है। ये इमेज एक डायरेक्ट एक न्यू लेयर में ओपन हो जाएगी। फिर इसको राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट क्लिप मास्क। गाइस अब ध्यान ध्यान देना है कि इसको राइट इमेज पे जाके, इमेज सपोज ये मेरा जिस लेयर पे इमेज है उस पर राइट क्लिक करना। फिर ये हमारा विंडो ओपन होगा, फिर इसको राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट क्लिप मास्क ये करना। तो गाइस आप देख सकते हैं कि वो मेरा सर्कल जितना है उतने बड़े में ही हमारा वो इमेज दिख रहा है। तो हम कोई भी शेप में हम इमेजेस को हम इजीली शेप दे सकते हैं और फिर उसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको कैसे यहाँ पे कॉर्नर पे प्रेस करके, यहाँ पे जाना, ये एरो दिख रहा है, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करना। शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद ये इमेज रिसाइज हो रही है, चारों तरफ से रिसाइज होगी। अगर हमें इसको कुछ इफेक्ट देना है तो यहाँ पे जाएंगे, सपोज बॉर्डर देना है, बॉर्डर कोई यहाँ पे जाएंगे, स्ट्रोक स्ट्रोक में जाके इसका कलर दी ब्लैक आ रहा है, इसको हम चेंज कर देंगे ब्लू में। यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लेंगे, ये स्पेक्स का कलर है, टी शर्ट का कलर। ओके गाइस, अब ये हार्ट के साइन में इसको बड़ा कर लेते हैं। शिफ्ट बटन प्रेस करके मैंने इसको स्ट्रेच किया, शिफ्ट बटन प्रेस करके। अब यहाँ पे एक सेकेंड इफेक्ट बताती हूँ ना। जब मैंने यहाँ पे न्यू लेयर ले लिया, यहाँ से
एक आपने जो सिंबल देखा ये न्यू लेयर का है, क्रिएट अ न्यू लेयर, देन हम फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे इमेजेस है, सपोज ये अच्छे से लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं या ये ले लेते हैं, कोई भी एक इमेज ले लेंगे, देन हम उसको ड्रैग करके फोटोशॉप में यहाँ पे ला के छोड़ देंगे। फिर मैं इसको, अब इमेज को मैं ये मूव टूल से, गाइस ये है हमारा मूव टूल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंटर प्रेस करने पर करने के बाद वो हट जाएगा, राइट। देन हम इमेज पे राइट क्लिक करेंगे, क्लिप मार्क, फिर अब हम इसको इमेजेस को एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, कौन सा पार्ट दिखाना है कौन सा नहीं दिखाना, हम अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेंगे। अब हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, गाइस आप ये इफेक्ट कोई भी पीएनजी इमेज में भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ से सेव लिया है, आप इसको कोई भी पीएनजी इमेज में भी सेट कर सकते हैं। गाइस अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज जो है एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। गाइस अब देखिए मैंने इस लेयर पे क्लिक किया, लेयर का पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कोई भी इसको बॉर्डर का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। गाइस मैंने ये यहाँ पे इस पर क्लिक किया, इस लेयर को, देन हम न्यू लेयर लेंगे, यहाँ से हम कुछ और एक इमेज सेलेक्ट करते हैं, ओके ये वाली लेते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। गाइस इमेज पे राइट क्लिक करने पर करने के बाद क्रिएट क्लिप मास्क, हमें इमेज को रिसाइज करना है, कौन से शेप में देना है, कौन सा पार्ट दिखाना है, ये आप लोग डिसाइड करेंगे, आप अपने हिसाब से इसको इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। गाइस मैं एक एग्जांपल और दिखा देती हूँ, आपको कोई भी पीएनजी इमेज लेना है, कोई भी पीएनजी इमेज में मैं आपको सेट करके बता देती हूँ, ओके ये हो गया। अभी हम गूगल से एक इसको सेव कर लेते हैं, पेज फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक इमेज लिया हुआ है, नेट से डाउनलोड किया है, फ्री है, एक सेट बना हुआ था ऑलरेडी, फिर अब हम इसके ऊपर एक न्यू लेयर लेंगे, यहाँ से हम एक इमेज लेंगे, गाइस मैंने ये इमेज लिया है, अब इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये इमेज का शेप जैसे ही होगा वो हमारा इमेज बस उतने से ही पार्ट में दिखेगा। फ्रेंड्स अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। आई होप You like my video? Please subscribe to my YouTube channel. Friend, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, शांत रहें, मस्त रहें, बाय बाय।